मेरा नाम पुखराज सिंह है। आज मैं आपके साथ थोड़ा बहुत अपने बारे शेयर करना चाहूंगा। जो मुझे लगता है दुनिया में कि जब ऊपर वाला हमें दुनिया में भेजता है, हर एक को कोई मकसद के साथ भेजता है, कोई पर्पस के साथ भेजता है। मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करता हूँ। ये ऐसे काम कोई आसानी से शुरू नहीं होते। मुझे अब 9 साल हो गए मैं पेशेंट्स के साथ डील करता हूँ, स्पेशली बच्चों जिनको कैंसर होता है। और हर एक ऐसी चीज के लिए कोई कहानी होती है। आज से 12 साल पहले मेरे सन को ल्यूकेमिया था, जो है ब्लड कैंसर, जो मेरे और फैमिली के साथ बीती, तो आई थिंक वो सीखने का टाइम था। और टुडे ऊपर वाले की दुआ से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये 12 साल पहले इनको ब्लड कैंसर हुआ था। तो जब ये चीजें होती है फिर जीने की सोच ही बदल जाती है कि क्यों हुआ। तो हो गया, ऊपर वाले ने कहा ठीक हुआ, बट हुआ क्यों? और मुझे लगता है कि एक रीजन जो हुआ कि सिखाने के लिए, यार अपना मकसद मैं जिंदगी में बदलूं, अपना लाइफ बदलूं, और वो ही करता हूं। उसके बाद जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर। और उस एनजीओ में एम्स के बच्चे आते हैं, जो सबसे बीमार बच्चे हैं जिनको कैंसर है। और उधर जाके मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, बट फिर थोड़ा बातचीत शुरू की, उनके पेरेंट्स से बात करनी शुरू की, और तब रियलाइज किया कि जो मेरे साथ चुकी थी उनके साथ भी वही बीत रही थी। और जब जब हमारे को ऐसी बीमारी आती है तो हमारा हौसला, हमारे को इतनी घबराहट होती है, हमें कोई चाहिए कहने के लिए कि यस मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए हर एक चीज से आई एम अवेलेबल। ये बहुत फर्क पड़ता है कि हमें लाइफ में ऑल द टाइम हमें कोई चाहिए जो हमारे को हमारा हाथ पकड़े, हमारे को जफी मारे, हमारे को कहे यस आई एम देयर फॉर यू। मैं जब किसी मिलता हूँ कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि कल वो ना होए तो कहेंगे जी आपने कहा था खाली। बट इस टाइम पे हमारे को जरूर कोई चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई दोस्त, कोई अजनबी भी चाहिए जो कहे जी यस आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ। लास्ट लास्ट ईयर मेरे डे केयर में एक साल में मेरे पास 9 बच्चे आए जिनको ब्रेन कैंसर। बच्चा बीमार है, पेरेंट्स गांव से है, कुछ समझ नहीं है। पहली टाइम आया बच्चा, मैंने उनको बिठाया फादर मदर के साथ, और दूसरी साइड में मैंने एक लड़का मिलाया जो 24 साल का है। ऐसे ये मेरा दोस्त है जिसको 13 साल पहले ब्रेन कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने इसको 10 दिन दिए थे जीने के लिए, और अब देखो ठीक लग रहा है। अब हैरान हो जाओगे, वो बच्चे की शक्ल चमकने लगती है कि अगर ये ठीक हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता। उसके पेरेंट्स में भी होप आने लगती है कि यस हो सकता है हमारा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे कनेक्शन मैं कराता हूँ कि किसी को बोलने से कुछ नहीं होता, बट अगर आप उसी कैंसर का सर्वाइवर मिले, वो फिर बच्चा अपनी कहानी इन फैमिली को बताता है, और वो 1 घंटा 2 घंटे बस बात ही करती रहती है। और मुझे पता है जो वो वहां से बच्चा और उसके माँ बाप निकलते हैं कितनी होप के साथ निकलती है, कितनी थोड़ी बेचैनी कम हो जाती है कि यस हो सकता है हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। दिस इज वेयर पॉजिटिविटी इज कमिंग इन। मैं जब किसी से बात करता हूँ मैं एक चीज जरूर करता हूँ, चाहे कितनी ये उम्र का भी हो, उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। पहले तो अगला घबराता है, बट फिर वो देखते हैं किस नजर से पकड़ रहे हैं। मैं तो खाली दिल से पकड़ रहा हूँ। कोई बीमार बैठे है उसको दिल से उसका हाथ पकड़ो, उससे बातें करो, अब हैरान हो गए कितने उनके उनकी सारी इमोशंस घबराहट सब निकलती है। और एक चीज मैंने वो रियलाइज की है कि एंड में मैं सबको जफी मारता हूँ। आजकल भूल गया है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि खाली किसी को दिल से जफी मार लो। और ये सारी चीज मुझे लगता है ये सारी थेरेपीज है, ये बहुत जरूरी है। मैं कभी किसी को कहूँ ना कीमो ना करो, कीमो जरूरी करानी है, बट उसके साथ ये भी जरूरी है। अब मुझे लगता है जब आपको कैंसर होती है आपको दो चीजें करनी होती है, एक है क्योर और एक है हील। क्योर क्या है? जो डॉक्टर कर रहा है वो क्योरिंग है। हील क्या है? कि हमने अपने मन को भी हील करना है, अपनी अपनी सोल को, अपनी बॉडी को भी हील करना है कि तभी जाके हम ठीक होंगे। मुझे लगता है लोग क्योर हो जाते हैं, हील जब पूरी तरह नहीं होते तो इसलिए कैंसर वापस आता है। सोचने का तरीके है खाली, दिस इज व्हाट आई थिंक, सो दिस इज व्हाट आई डू। अच्छा, जब किसी के साथ बात करो देन उनसे दिल से बात कर रहे हो, देन उनके साथ बहुत मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज शेयर करता हूँ, इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर करता हूँ, कौन कैसे ठीक हुआ। चलो पेशेंट तो तकलीफ में है, बट सबसे ज्यादा रोल होता है उसके केयर गिवर का। केयर गिवर कौन हो गया? उसके मदर, फादर, बहन, भाई, जो भी हो गया उनका भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जितना बीमार पेशेंट है उतने बीमार वो भी मेंटली हो जाते हैं। तो मैं सारे केयर गिवर्स को कहता हूँ, आई सेड सबसे जरूरी रोल आपका है, बिकॉज आप ही पेशेंट के साथ 24 घंटे बैठे हो। और एक चीज है, जब पेशेंट के आगे आना, कभी आपने तो उदासी नहीं दिखानी, आपने दुख, मुझे पता है आप दुखी हो, वो आपने दुख उसको नहीं दिखाना, स्पेशली बच्चा है, बिकॉज चाहे 2 साल का भी होएगा या 6 साल का भी बच्चा होएगा, वो देखेगा कि मेरी बीमारी की वजह से मेरे माँ बाप तकलीफ में है, वो कहाँ से ठीक होएगा। आप जब किसी की देखभाल कर रहे हो आपका रोना आता है,
जितना रोना है अकेले में जाके रो, जितना दुख है अकेले में किसी से बात करो या रो, जो भी करो, बट पेशेंट के आगे बिल्कुल नहीं करना। पेशेंट को बस हौसला यही देना है कि यार तकलीफ आई है, ठीक हो जाएगी, ऊपर वाला करेगा, बिल्कुल होगी, और लोग ठीक होते ही, ऐसी कोई बात नहीं है।